पहली बार दबाया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मेरे चेहरा भाई? खैरियत ठीक ठाक? हमेशा चलते हैं। हाँ तो ये टिकट क्यों लिया? वो कार्ड है। नहीं वो कार्ड नहीं चल रहा। चल रहा क्यों नहीं चल रहा? फ़ायदा हुआ है। हाँ आप रोज़ प्रधानमंत्री देके जाते हैं? बिल्कुल रोज देते हैं। तो कार्ड की फैसिलिटी कहाँ गई? बस कार्ड का जो है सर बकार खुदी लेना। हाँ काम कौन से कोर्ट में? कराची के जितनी कोर्ट हैं मेरे पॉपुलर सीमेंट है ना, ये अपना चमचे रोड 3 नंबर रोड पर। इन्होंने वादा कर लिया था मेरे दादा की जायदाद की मस्जिद में बैठ के कि हम 6 महीने के बाद करवाने बने, तो उन्होंने जैसे अभी तक नहीं दिया सर। मैं मुकर गए। आप इंक्वायरी अरे माशा ड्राइवर था। अल्लाह तरक्की दे, अल्लाह तरक्की। दो बार झूठ बोला उन्होंने। एक साल में करते हम 6 महीने बाद दे देंगे, फिर कहा जी हम 3-4 महीने बाद दे देंगे, उसके बाद फिर। नाज़रीन नाज़रीन, हम अभी ग्रीन लाइन में जा रहे हैं। यहाँ हमें एक साथी हैं, वो अपने लीगल जो लिटिगेशन हुआ है इनके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। आप भी सुनिएगा, और अगर आपके पास मशवरा है तो मशवरा भी दीजिएगा, और जो इसमें कानूनी पहलू होगा। मेरे ये पड़ोसी हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अब्दुल नासिर है, और दादा मेरे मुनीर दादा की ज़मीन थी, तो उसके लिए मस्जिद पर बैठ के इन्होंने फैसला किया था कि हम 6 महीने के बाद पैसे दे देंगे। तो मैंने बोला कि चलो 6 महीने के बाद मैं सब्र कर लेता हूँ, 6 महीने के बाद दे देना। उसके बाद जो है 6 महीने हो गए, तो उसके बाद कहने लगे जी 3 महीने और दे दें मुझे, कि भाई बाहर से आएगा तो पैसे दे देंगे। जब 3 महीने और गुजर गए तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही उन्होंने कहा जी मैं पहले अहले सुन्नत में था, अब मैं जमात में हो गया हूँ। और फिर पहले अहले सुन्नत के सेक्स में थे। हाँ फिरका जो होता है। हाँ और अब वो दूसरे में हो गए हैं, दूसरे में हो गया, लिहाजा हम आपको नहीं देंगे। हाँ सही है, समझे। तो मैंने लीगल नोटिस भी दिए मैं उन्हें, फिर उन्होंने वापस क्या जवाब दिया? उन्होंने बस कह रहे हैं कि कोर्ट में आके लें आप। कोर्ट जमीन किसकी है? जमीन मुनीर दादा की, उनकी है। हाँ उन्होंने जो है वो चालाकी से अपने नाम कर ली। नहीं वो गिफ्ट कर रहे थे ना। हाँ गिफ्ट कर रहे थे। हाँ किसको? आपको जी। इसलिए गिफ्ट नहीं, वो कह रहे थे कि ये इसकी इतनी मालियत है, ज़मीन तो नहीं लो तुम, कैसे ले लो। वो ज़मीन आपकी थी? ज़मीन दादा की थी मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। कागजात हैं उनके पास? कागजात तो उन्हीं के पास है ना, मेरे भाई है ना वो। अच्छा ये आपके भाई हैं? दादा यानी कि मेरे बाप और वो चचा मेरे भाई भाई हैं आपस। जी हाँ जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो ये मेरे लड़के फैसला करेंगे, मैं तो बीमार हूँ। नहीं तो लीगल हेयर्स तो है ना, आप कानूनी वारिस तो हैं। कानूनी वारिस हैं और उन्होंने इकरार भी कर लिया मस्जिद के। ना भी करें, कानूनी वारिस तो हैं जी। तो आपको आपका हक कौन नहीं देगा? आप तो अपने हक लेने पे हम बाजा नहीं पे। हाँ फिर कह रहे हैं कि जी हमारा तुम्हारे से कोई रिश्ता भी नहीं है। जुबानी बोलने से अगर पैसे लोगे तो नहीं बोलने तो कोई बात नहीं। हाँ जुबानी बोलने से कोई ये रिश्ते ख़त्म नहीं हुआ करते। और आँख आँख की बात कर रहे होंगे, आँख का कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है, आँख का कंसेप्ट इस पाकिस्तान के कानून में नहीं है, आँख का कोई तसव्वुर नहीं है। फिर आप क्या चाह रहे हैं अभी कि आपको आपका हिस्सा मिले? आप मेरा हिस्सा मिले और जो मेरे जो वकालत
वकील पे मैंने 50,000 रुपए खर्च किए हैं डैमेज, वो भी दिलाया जाए, वो तो मुश्किल है पाकिस्तान में कानून चूँकि इतना कमज़ोर है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसमें तो आपको हक है, उसकी कॉपी वगैरह कोई चीज़ नहीं है, कोई कॉपी वगैरह? मैंने जो केस किया था उसके कागजात रखे में, और इन्होंने मेरे भाइयों बहनों से कहा कि भाई हम इसको हिस्सा दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप भी लिख के दें। उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं, हम नहीं ले रहे, आप इसको दे दो हमारा हिस्सा। तो कोई कार्ड वार्ड दे दें ताकि मैं आऊँ आपके पास। मैं दे रहा हूँ।
आयशा कॉम्प्लेक्स कब आएगा अपने स्टेशन पे, और 20 सेकंड के लिए सिर्फ गेट खुलेगा। अब जो खुलेगा वही है ना, देखिए अभी आए करना हो। निकालो ये पर्ची। शुक्रिया। Thank you.